अजीज तुलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शुक्रगुजारी। ये नज़म लिखी है सफ़ी लखनवी ने, ठीक है। इस नज़म में शुक्रगुजारी हमारा अनवान है आज। तो इसमें वो बोलता है शुक्रगुजार, हमें हमेशा अल्लाह का शुक्रगुजार रहना चाहिए। जिस अल्लाह ने, जिस बारी ताला ने हमें दुनिया में इतनी सारी नियामतें अदा की हैं, रंग बिरंगी नियामतें हमें दी हैं, हमें हर किस्म के ये पेड़ पौधे पानी हर किस्म की नियामतें अता की हैं, रंग बिरंगे मेवे अता किए हैं इस दुनिया में, हर किस्म की चीज़ें अता की हैं, उसका हमेशा हमें शुक्र गुजार रहना चाहिए अल्लाह का। तो इसमें शायर ने ये नज़म लिखी है, शाखें जिस तरह शजर की। शजर होता है बच्चों, दरख्त को शजर बोलते हैं, दरख्त को शजर बोलते हैं। करती हैं जड़ों से जज़ब पानी, होकर तरोताज़ा फिर जो देखो वापस कर देती हैं इसको। या जैसे समुंदर का पानी, बन बन के हिसाब आसमानी, बादल बरसाते हैं बेशुमार कतरे पानी, फिर वही देखो समेट के। दरियाओं के रास्ते मकरर करता है समुंदरों के अंदर। ये अल्लाह ताला ने कैसी कायनात बनाई है दुनिया में, पेड़ पौधे। जब दरख्त की शाखें, शाखों से जिस तरह शजर, दरख्त अपनी जड़ों से पानी जज़ब करता है और फिर जड़ों से पानी पीता है और फिर वापस तरोताज़ा होता है, तो ये हमें वापस हमारे माहौल को तरोताज़ा कर देते हैं। तो पानी पी के फिर उस वो पूरा सब्ज सर सब्ज हो जाता है दरख्त, फिर वो शुक्र करता है अल्लाह का। फिर उसे पानी से जब सब्ज हो जाता है, सूखा पेड़ भी सब्ज हो जाता है पानी पी कर, फिर उससे हमें रंगे मेवे मिलते हैं। और होकर तरोताज़ा फिर जो देखो, देखो कितना वो तरोताज़ा हो जाता है, वापस कर देते हैं इसको, फिर वो वापस छोड़ता है, ये हमें पूरे माहौल को तरोताज़ा कर देता है। या जैसे समुंदर का पानी, जिस तरह बोलते हैं समुंदर का पानी है, उसमें बन बन के हिसाब आसमानी, हिसाब में हिसाब जो है सहाब जो है वो बोलते हैं बादल को, बादल बादल की सूरत में जब आसमान में, फिर वो ठंडा हो के पहले बाब समुंदर से उठते हैं, ये बादल बनते हैं आसमान में जब जाते हैं, तो ऊपर की जब हाइट पर जाते हैं तो फिर पानी की शक्ल में आते हैं ज़मीन पर, फिर समुंदर में जमा होता है ये पानी, बरसाते हैं बेशुमार कतरे। तो ये पानी बेशुमार कतरे बारिश की सूरत में आती हैं, बारिश बरसती है पानी, फिर वही देखो सिमट के, फिर जमा हो जाता है यही पानी हमें समुंदरों में। दरियाओं के रास्ते मकरार करता है, गिरता है समुंदरों के अंदर, गिरता है समुंदरों के अंदर, फिर से वापस ये शुक्र समुंदरों के अंदर, बादल बारिश की शक्ल में समुंदर का पानी समुंदर तक पहुंचा देते हैं, इसी तरह वो समुंदर का एहसान चुकाता है, फिर से समुंदर के बादल उठते हैं समुंदर से ही, फिर वही पानी बरसता है ज़मीन पर, फिर समुंदर को वापस समुंदर में पानी जमा हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, शुक्रगुजार हमेशा आदमी को रहना चाहिए। और किसी अगर आदमी एहसान का बदला नहीं चुका सकता तो किसी के साथ बुरा भी ना करे, लेकिन कम से कम उसके दिल में उसके लिए इज्जत रहनी चाहिए, हमेशा उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। आज का हमारा इतना ही है इस नज़म का, इसे आगे भी पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में भी। तो हमारे पास टाइम कम है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।